खबर चंपावत से, जहां टनकपुर के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय परिसर में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दो अन्य आरोपी फरार चल रहे हैं। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपियों से चोरी का सामान भी बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ये 3 तारीख को पुराना कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है, जिसके प्रधानाचार्य के द्वारा एक तहरीर दी गई थी। उनका जो कैंपस है उसमें सामान रखा हुआ था, उसमें शिक्षण सामग्री से संबंधित सामान था और बैग से संबंधित सामान भी था। तो उस सामान को जब उन्होंने काफ़ी लंबे समय बाद देखा तो उसमें काफ़ी सारा सामान को गायब मिला। उस संबंध में एफआईआर दर्ज करके हमने प्रभारी निदेशक टनकपुर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और इस टीम में लगातार काम करते हुए और सर्विलांस की मदद से और लोग मैनुअली पूछताछ करी तो उसमें दो युवक सामने आए। सामान चोरी किया गया था, वो सामान भी रिकवर कर लिया गया है। इसके अलावा ये तथ्य भी सामने आया कि इसमें चोरी में दो अन्य व्यक्ति और भी थे, तो जिनकी तलाश अभी की जा रही है और जो भी उनके द्वारा माल चोरी किया गया उसको भी हम जल्दी रिकवर कर रहे हैं।